लंबे समय के बाद आखिरकार अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण पर अलग अलग तरीकों से खुशियां जाहिर की गई। रेवाड़ी में भी अलग अलग स्थानों पर लड्डू बांटे गए, झांकी निकाली गई। बीजेपी ऑफिस में 11,000 आहुति डालकर हवन यज्ञ किया गया और कांग्रेस से रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव राम मंदिर के निर्माण की खुशी में वृद्ध आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धों को लड्डू बांटकर राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे, जिसके बाद उन्होंने आस्था कुंज में बच्चों के लिए मिठाइयां दी और फिर राजीव नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए मास्क सैनिटाइजर और PPE किट दी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि बुजुर्गों को समय पर पेंशन मुहैया कराकर उन्हें मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं, जिसके बाद अब वो बुजुर्गों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आई है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जितने भी हमारे वृद्ध हैं उनको समय के ऊपर पेंशन मिलनी चाहिए और हैंड सैनिटाइजर, मास्क और PPE किट अगर कहीं ज़रूरत हो तो वहाँ बांटी जाए। तो उसी के अनुरूप आज मैं यहाँ पर आकर जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र बांटे हैं। और क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है कि राम मंदिर हमारा बनने जा रहा है और उसकी आधारशिला रखी जा रही है, उसके लिए आज मैंने लड्डू भी यहाँ पर बांटे जितने भी हमारे वृद्ध हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कुछ मिठाइयाँ लेके आया था। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें और ज़्यादा सतर्कता उठानी पड़ेगी, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो लोगों को भी हम जागरूक करते हैं कि समय समय के ऊपर कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, मास्क लगा के रखने चाहिए और सैनिटाइज़र की हम ये ड्राइव भी इसलिए चला रहे हैं। जितने भी आपके PHCs हैं, CHCs हैं, उनके अंदर जाकर मैं अपनी तरफ से भी पिछले दिनों में मीरपुर के अंदर हम लोगों ने PPE किट, मास्क और सैनिटाइज़र दिया। आज हम राजीव नगर भी जा रहा हूँ, वहाँ पर भी जितने हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको PPE किट, मास्क और सैनिटाइज़र वहाँ भी हम वितरित करेंगे। तो हम तो अपनी ओर से जागरूक कर ही रहे हैं और मेरा तो प्रशासन से भी अनुरोध है कि जितना हो सके एक जागरूकता अभियान आप लोग चलाएं और लोगों को जागरूक इसके बारे में करें।